वेलकम एवरीवन। आज के व्लॉग में मेरी बकरी हो गई थी गुम और हम वो बकरी ढूंढने के लिए आए हुए थे। तो जहाँ हमारी बकरी है इस देहात में हम आए हैं, वहाँ चल रहा था ट्यूबवेल। बकरी हम भूल चुके हैं कहाँ है कहाँ नहीं हमें पता नहीं है। हम नहाना शुरू हो गया, इतना बड़ा ट्यूबवेल, इतना ठंडा पानी मैंने किसी भी स्विमिंग पूल में नहीं देखा चलता हुआ, इतना ठंडा पानी। इतनी गर्मी के टाइम पर हम आए हुए थे। अब नहा के फिर हम वापस अपनी बकरी लेने जाएंगे जो कल गुम हुई है। ये है हसन, इसकी मस्तियाँ ख़त्म नहीं हो रही। मैं इसे साथ लाया था, ये बकरी को पीछे बाइक पे लेके घर चलेंगे ये तैरना शुरू हो गया। यहाँ दरख्त लगे हुए हैं छाँव पे, ये पूल बनाया हुआ है इतने बड़े साइज़ का। बाहर निकले हैं हम, देखा हमारी बाइक पंचर हो गई है। साथ में एक सिट्टे वाला ठहरा था, हम फिर उससे सिट्टा लेके खा रहे हैं। बाइक उधर पंचर हो रही है हमारी, जगह मैं आपको दिखाता हूँ। पंचर लग चुका है, अब हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ हम नहा रहे थे। बंदे से कहा है उसको थोड़ी देर है, उसने कहा 5 मिनट वेट करो फिर चलते हैं, फिर हम जाएंगे अपनी बकरी लेने वापस जो कल गुम हो गई थी। वे हैं जहाँ हमारी बकरी आई हुई है, अभी बंदा गया हुआ है बकरी लेने, आ जाए जल्दी जल्दी, देखें फिर हमारी है या हमारी नहीं है। हसन आ जाओ, हसन आ जाओ मिल गई है हमारी बकरी हमें वापस। तो फाइनली हमारी दीदी हमें मिल गई है, दिखाओ हसन दीदी को दिखाओ 10 किलोमीटर का सफ़र करके हम अपनी दीदी को वापस ले आए हैं जल्दी जल्दी। अभी हम घर जा रहे हैं। दीदी का मतलब बकरी, दीदी हमने उसका नाम दीदी रखा हुआ था,